हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक जर्सी डिज़ाइन। लेकिन वेट वेट, ये तो रोमित रॉय का चैनल है, मैं इधर क्या कर रहा हूँ? एक्चुअली मेरा नाम इनसेन है, मैं फ्राई स्टूडियो पे वीडियोस डालता हूँ एंड अभी वो फ्राई स्टूडियो चैनल का नेम हो गया इनसेन PhD। और मैं रोमित रॉय के चैनल पर इसलिए हूँ क्योंकि हम दोनों ने कोलैब किया है, जो कि है जर्सी डिज़ाइन का कोलैब। एंड इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जर्सी डिज़ाइन कैसे स्क्रैच से आप डिज़ाइन कर सकते हो पूरी जर्सी को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये है हमारा मॉकअप एंड ये मॉकअप आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एंड इवन अगर कुछ हुआ तो मैं अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में इसका लिंक डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक होगा, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड इसी मॉकअप पे हम लोग आज डिज़ाइन करने वाले हैं, तो लेट्स सी कैसे डिज़ाइन करता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग कराएंगे टीम सोल का लोगो एंड ये लोगो को कॉपी कर लूँगा Ctrl J से या Command J से। एंड इसको इस तरीके से प्लेसमेंट कर देंगे जैसे कि लेफ्ट साइड जस्ट पे होता है नॉर्मली। ओके, सो सेम लोगों को जो हमने कॉपी किया था उससे कलर कोड्स निकाल लिए हैं। एंड इसको मैं ऐसे अलाइन करके देख रहा था कि कैसे होगा, लेकिन वैसे फिट नहीं हुआ तो मैंने इसको जूम किया। एंड ये जो अंदर क्लोदिंग के टेक्सचर्स है, इससे मैं पूरा पैटर्न बनाऊंगा जर्सी का। तो आप जैसे पैटर्न कैसे मैंने लोगो से बनाया है वो आप अब देखोगे। तो सबसे पहले मैंने सेम लोगो को ऊपर लेकर जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली टेक्सचर लगा हुआ है, इसकी लेयर को ऊपर लेकर गया टॉप पे। एंड यहाँ पे हम लोग पेन टूल से पूरे ये जो ग्रेश टेक्सचर है इसको हम लोग ट्रेस करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने ये टेक्सचर ले लिया है एंड इसको मैं नीचे लेकर आऊँगा मेन बॉडी वाले पार्ट के ऊपर। एंड यहाँ पे थोड़ा कलर वगैरह चेंज करूँगा, लेकिन वो टेक्सचर में से मुझे सिर्फ ये पैटर्न चाहिए था, तो मैंने ये पैटर्न को ही डुप्लीकेट किया है। एंड ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ बताने में की है, कुछ जगह पर मैंने इधर ब्रशेज़ भी यूज़ किए हैं, लेकिन आप ऐसे पूरा पैटर्न बनाने के बाद दोबारा रिट्रेस कर सकते हो और उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में डाल के अपने क्लाइंट को दे सकते हो, क्योंकि वरना प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होगी अगर आप ऐसे नॉर्मल दोगे। तो ऐसे मैंने ये टोटल पैटर्न बना दिया है जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हम डार्क करेंगे अभी। अगर आपको ध्यान से देखना है कि ये पैटर्न मैंने कैसे किया है, तो इसको थोड़ा सा वीडियो की ड्यूरेशन स्लो कर सकते हो, स्पीड स्लो कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि वही ग्रुप को कॉपी करके एंड उसको थोड़ा सा डार्क किया है ह्यू एंड सैचुरेशन में। ओके, सो नाउ ये जो भी हमने शेप्स बनाई थी इनका कलर थोड़ा सा मुझे डार्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट था। एंड इन दोनों को हम लोग ग्रुप में कर देंगे एंड इसके बाद लेयर मास्क ले लेंगे वो पूरी बॉडी का एक्सेप्ट आर आर्म्स। इसी के साथ हम लोग ये ब्लू वाली ये जो पट्टी टाइप है इसको भी ग्रीन कलर दे देंगे कुछ इस तरीके से। एंड ओके, तो नाउ हमारी स्लीव्स पे जाएंगे, कमांड होल्ड करके सिलेक्शन लेंगे एंड इसको शिफ्ट दबा के एरो की से थोड़ा इस तरीके से मूव करेंगे ताकि हमारा वो एक टोटल स्ट्रैप टाइप बने। एंड उसको कमांड शिफ्ट इनवर्स कर देंगे कमांड शिफ्ट आई करके एंड देन कलर फिल कर देंगे हमारा जो ग्रीन वाला है। सेम चीज़ हम लोग करेंगे हमारे राइट स्लीव के लिए, तो इसको कॉपी करेंगे Ctrl J से एंड Ctrl T से फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टल एंड इसको अलाइन कर देंगे, थोड़ा सा पोजीशन ठीक कर देंगे जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ वैसे। एंड
एंड सेम चीज़ दोबारा सिलेक्शन लूँगा कमांड या कंट्रोल होल्ड करके, एंड सिलेक्शन को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊँगा ताकि नीचे मैं थोड़ा सा वाइट कलर का स्ट्रैप डालूँ, एंड ऐसे मैं कलर फिल कर दूँगा कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्स करके सिलेक्शन को, एंड इसको कंट्रोल यू से वाइट कर दूँगा सिलेक्शन को। सेम चीज़ हम लोग करेंगे हमारे लेफ्ट वाले आर्म पे। ओके सो इधर न्यू लेयर लेंगे एंड इधर भी सेम चीज़ करेंगे जैसे हमने स्लीव्स पे किया था, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स एंड देन वाइट कलर फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड ये जो ऊपर भी ये ब्लू कलर फिल हुआ है ना, इसको हम लोग इरेजर टूल से इरेज कर देंगे नॉर्मली। ऑलराइट तो ये कुछ इस तरीके से देखा, लेकिन ये नीचे वाली स्ट्रैप कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो इसको मैं नीचे कर रहा हूँ एंड अगेन लेयर मास्क लेके मेन लेयर का ऊपर कर दूंगा नॉर्मली कुछ इस तरीके से, ताकि ये थोड़ा उसके स्लीव्स के जितना ही पतली सी स्ट्रैप लगे और ये अच्छी लगे। एंड नाउ इंडिया का फ्लैग हमारे राइट आर्म पे, राइट आर्म की स्लीव पे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा हमें ऑब्वियसली। एंड देन हमारे जो ग्रीन वाली लेयर थी, ग्रीन स्ट्रैप वाली लेयर, उसको लेयर मास्क लेकर ये ऐसे सिलेक्शन लेके हमारे फ्लैग की ब्लैक कलर फिल कर देंगे। तो सेम चीज़ हम लोग ऊपर एंड नीचे कर देंगे ताकि थोड़ा सा पार्टीशन हो जाए हमारे फ्लैग के लिए। एंड नाउ सेंटर पे हम लोग रखेंगे टीम सोल का लोगो एंड ये मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ बैंक गोथिक MDBT, जो कि आप खुद देख सकते हो। कुछ इस तरीके से मैंने अलाइन किया है, थोड़ा सा स्पेसिंग किया है। टीम का जो टेक्स्ट है उसका थोड़ा सा साइज स्मॉल किया है ताकि कुछ इस तरीके से अच्छा दिखे। एंड सेम सोल की लेयर को हम लोग कॉपी करेंगे एंड फिल ज़ीरो कर देंगे एंड उसके बाद डबल क्लिक करेंगे ताकि ब्लेंडिंग ऑप्शन आए एंड यहाँ पे हम लोग स्ट्रोक कर देंगे 1। स्ट्रोक की वैल्यू होगी साइज 1 एंड देन ओके। तो इससे भी हम थोड़ा सा इफेक्ट डालने की कोशिश करेंगे, इसको कंट्रोल जैसे कॉपी एंड नीचे कर देंगे लेयर को ऐसे ही एंड देन थोड़ा सा टिल्ट करके मेन लेयर के नीचे, मेन जो हमारे बॉडी वाली लेयर है, एंड इसको भी लेयर मास्क दे देंगे। सेम थोड़ा सा इसका मैं साइज चेंज कर रहा हूँ, मतलब सॉरी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ ताकि कुछ इस तरीके से दिखे एंड डन। तो नाउ अब हम न्यू लेयर लेंगे जिसके ऊपर हम ग्रीन कलर के ब्रश से हमारी मेन बॉडी के पार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से हाइलाइट्स देंगे एंड नाउ वी आर डन विद द जर्सी। एंड इसके बाद हम लोग अभी बना रहे हैं हमारा बैकग्राउंड जर्सी का, तो कुछ इस तरीके से ये बैकग्राउंड देखेगा। एंड नाउ हम आ गए हैं हमारे बैक पार्ट पे, जर्सी का जो बैक पार्ट होता है, एंड यहाँ पे ये मॉकअप भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, खास नहीं है। जो चीज़ हमने उधर किया था वो सेम चीज़ इधर करने वाला हूँ। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको मॉकअप चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हो वो मॉकअप। मेरे चैनल पे तो देखो वीडियो आने वाली है क्योंकि अभी मैं फेस कैम के भी वीडियोस करने वाला हूँ। रोमित रॉय का पता नहीं है, वो आप रोमित रॉय से पूछ लेना, लेकिन हाँ दोनों के चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय, टिल देन थैंक यू।